हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने से लेकर और ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस रहता है और किन किन प्रोसेस से जो स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तो वही सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरा जो 2018 में जो फॉर्म फिलअप किया था और 2019 में ज्वाइनिंग हुआ था, उस दरमियान क्या क्या हुआ था और किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था और कितना टाइम लगा था, वो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें 2018 ग्रुप डी के फॉर्म का, जो है नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, तो उसका जो है मार्च से स्टार्ट हो गया था, तो मैंने मार्च में फॉर्म फिलअप कर दिया था। और मैंने दोस्तों दो तीन लोगों से पूछा तो बोला कि जो पहले ही बार है, मेरा तैयारी उस टाइम भी ठीक ठाक था, लगभग 65 और 70 के बीच में आता था नंबर मैक्सिमम सेट में। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बोला कि जो आरआरबी पटना से भर दो, तैयारी सही है तो आरआरबी पटना से भर दो। तो मैंने आरआरबी, और ये दूर भी नहीं है तो आरआरबी पटना से भर दो, तो मैं दूर जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए आरआरबी पटना से ही मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो उसके बाद जो है ये मार्च में इसका फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, उससे पहले आप लोग को बता दें कि टेक्नीशियन का भी फॉर्म कुछ दिन पहले गिरा था, तो उसका जो है एग्जाम 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब इसका एग्जाम खत्म हो गया तो 17 सितंबर से जो ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर से, और 15 दिसंबर तक जो है ग्रुप डी का एग्जाम चला। उसी बीच में मेरा जो है 27 नवंबर का जो एग्जाम हुआ, 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो मेरा रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम हुआ। तो मेरा एग्जाम जो दोस्तों मेरे तैयारी के अनुसार कुछ अच्छा नहीं गया था, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि नंबर अच्छा, मतलब नंबर बताएंगे बाद में कितना आया था, लेकिन जो है सोचिएगा कि जो आप अच्छा इतना नंबर आया तब पर भी बोल रहा है कि अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरे जो तैयारी जिस हिसाब से था उस हिसाब से अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरा जो है दो मैथ गलती हो गया और दो रीजनिंग गलती हो गया, जो एकदम इजी बदमाश नियम का जो मैथ था वो गलती हो गया, और रीजनिंग जो है कैलेंडर से था, दोनों का दोनों गलती हो गया। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा और जो कैलेंडर का चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बदमाश नियम जो है वो अच्छे से भी देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर हो जो भी पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, पूरा डाउट क्लियर करके पढ़िए तो सही रहेगा, आप आगे जाके नहीं फंसिएगा। तो हो गया, मेरा एग्जाम कंडक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों लगभग एक महीने, जब 15 दिसंबर का एग्जाम खत्म हो गया, लगभग उसके एक महीने के बाद जो है ये आंसर की आता है, तो आंसर की में हमने मिलाया, तो मैंने दोस्तों 86 अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरा 12 गलती हुआ था, जिसमें मेरा जो है 3-4 मैथ रीजनिंग जो है वो आपको बताई थी तो मिस्टेक कर गए थे, मैथ रीजनिंग भी गलती था, और कथन निष्कर्ष में दोस्तों एक आध गलती हो ही जाता है और वो छोड़ने वाला ही भी नहीं रहता है, क्योंकि बनाने वाला रहता है तो बनाइएगा ही, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने 86 अटेम्प्ट किया था, उसमें 12 निगेटिव हुआ था, टोटल जो है 12 निगेटिव हुआ था, और मेरा रॉ मार्क्स जो था वो 70 था। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल तो हमें तो अच्छा लगा था, कोई हार्ड नहीं लग रहा था और कोई उतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन। तो उसमें जो है 86 अटेम्प्ट किया था और 12 निगेटिव, तो 70 नंबर रॉ मार्क्स था। उसके आंसर की मिलाने के बाद दोस्तों जो है 4 मार्च, फाइनली जो है 4 मार्च के लगभग 3 बजे के शाम में जो है रिजल्ट आया, तो मुझे तो पता ही भी नहीं चला, और मेरा एक दोस्त था, मैं उसको सब कुछ अपना जो दिया था रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रोल नंबर होता है और डेट ऑफ बर्थ वो जानता ही था, तो वो अपना चेक करके और मेरे पर स्क्रीनशॉट भेजा। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे क्या खुशी मिलती है जो आपका जो रिजल्ट होता है, क्योंकि इतना दिन से आप दोस्तों उसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सब कुछ मतलब त्याग करके और उस पर लगे रहते हैं और वो मिल जाती है, तो आपको सोचिए कितना खुशी होगी। तो वही खुशी, यानी दूसरा कोई स्क्रीन शॉट करके भेजा और उस पर देखे, मेरा जो नॉर्मलाइज मार्क्स था 86.86 था और रॉ मार्क्स तो बता ही दिए थे आपका जो है 70 था, और 86 नंबर जो था वो मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स था। और उसके बाद दोस्तों इतना मतलब खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ कि शाम में रिजल्ट आया, सुबह शाम में हम घर पहुंच गए, शाम में रिजल्ट आया और फिर दौड़ उड़ के तैयारी करने के लिए हम शाम में घर पहुंच गए। उसके बाद दोस्तों मैं जो है कट ऑफ का ये इंतजार करने लगा कि कट ऑफ कब आता है, फाइनली जो कट ऑफ कब आता है, क्योंकि ये भी देखना था ना कि कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि बाद में मेरिट का भी टेंशन रह जाता है, तो इसीलिए कट ऑफ का इंतजार कर रहा था। तो शाम होते होते रात तक लगभग कट ऑफ भी आ गया,
तो मेरे जो गया था उसमें जो गया था 72.72 ओबीसी का, आरआरबी पटना में ओबीसी का 72.5 जो है पीटी के लिए जो जिस जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था, तीन गुना जितना सीट था, लगभग 6000 के आसपास 5982 सीट था, तो उसका तीन गुना निकाला, मतलब ये लिया था 17000 कुछ समथिंग का लिया था, तो तीन गुना में जो देखे तो 72.75 जो है उसका कट ऑफ गया था। उसके बाद दोस्तों 4 मार्च का जो है रिजल्ट आ गया, उसके बाद हम चल गए घर, उसके बाद अपना दौड़ का तैयारी करने लगे। बाद जो है दोस्तों 29 मार्च का जो है मेरा दौड़ का जो है वो आ गया था कि जो 29 मार्च को आपको एडमिट कार्ड आ गया था कि 29 मार्च को आपको दौड़ने के लिए जाना है। लेकिन दोस्तों मेरा जो है, मैं थोड़ा अपने आप को लकी भी मानता हूँ, क्योंकि 29 मार्च को ही मेरा जो है ग्रेजुएशन का एक पेपर था, तो फिर 29 मार्च का जो है पता नहीं 26 मार्च का दौड़ हुआ, उसमें बहुत से वो जो उस पैर में लगाता है सेंसर शायद लगाता है उसी से मापता है, जो भी हो हमें नहीं मालूम है, वो पैर में लगा देता है, तो वही जो है उस दिन पता नहीं 26 तारीख को हुआ था वो खराब हो गया था, तो फिर से रीशेड्यूल कर दिया था और 1 से 6 मार्च तो मेरा जो है 29 मार्च का नहीं होके 6 अप्रैल का कर दिया, 6 अप्रैल का यानी कर दिया था दौड़, तो मेरा उधर ग्रेजुएशन का पेपर भी हो गया और उसके बाद मैंने थोड़ा खुशी मिली, क्योंकि देखिए एक पेपर छोड़ देते तो फिर अगला साल फॉर्म भरना पड़ता, फिर भीड़ में खड़ा होना, बहुत तरह का फिर एग्जाम देना, ग्रेजुएशन का एग्जाम हमें सबसे ज्यादा हार्ड लगा, मैट्रिक और इंटर से ज्यादा हार्ड मुझे ग्रेजुएशन ही लगा, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है यार, हाथ दुख जाता है। तो उसके बाद जो है 6 अप्रैल का जो है मेरा दौड़ हुआ, तो दोस्तों दौड़ में जो आपका जो होगा वो आप एडमिट कार्ड रहे करेगा और वो आप ले वहाँ जो है एक लगाया जाता है जो पैर में जो कुछ ऐसे बेल्ट हल्का रहता है, बहुत ही हल्का नंबर दिया जाता है आपको और पैर में जो है हल्का सा लगाया जाता है, जो उसी से आपका जो है टाइम मापा जाता है कि आप कितने समय में ये दौड़े। तो पहले दोस्तों जो है अब 100 मीटर वाला रहता है, तो 100 मीटर वाला 40 किलो लेके, तो मुझे इजी ही लगा, वहां लगता है कम ही था, तो 40 किलो लेके जो है 2 मिनट में जाना रहता है, तो आप आराम से पैदल चलिएगा तो 1 मिनट के अंदर में पहुंच जाइएगा, तो आराम से हमने आराम से पहुंच गए। उसके बाद जो है दौड़ जो मैं यहाँ दौड़ करता था तो मेरा 3:40 के आसपास में हो जाता था और 4:15 टाइम दिया था, 1000 मीटर में 4:15 में आपको दौड़ना है। तो दौड़ के रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहते हैं उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से वो मेरिट लिस्ट बनाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। इस बार भी जितना सीट था उसे 5% ज्यादा जो है लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को तो बता ही दिए थे, जो वहां जाएगा तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाता है, पहले तो आप अंगूठा लगे जो है बायोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो कराता है, उसके बाद जो है आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भरवाता है, और उसके बाद जो है आप ओबीसी में है तो ओबीसी बनवा लीजिए, और उसके बाद जो है 10th का जो है मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए। इसका जो वीडियो हम अच्छे से बनाए हुए तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं, तो इसमें हम अगर कोई छूट भी जाता है तो वहां आप जाके देख सकते हैं, मेरा जो चैनल पे है जो वो चढ़ाया हुआ है, तो यही। और 10th का मार्कशीट आईडी जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रहना चाहिए, बस यही 4-5 को चीज है जो वो लेना पड़ता है। तो वहां मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मेरा जो दोस्तों थोड़ा लोचा हो गया, तो मेरा औंठा ही काम नहीं कर रहा था, वहां औंठा ही नहीं ले रहा था, पहली बार गए औंठा नहीं लिया, बहुत देर प्रयास किया नहीं लिया, तो उधर जाकर साइड में बैठा दिया, बैठो सामने फिर दोबारा देखेंगे इस सबके हो जाने के बाद, तो फिर इस सबके हो गया तब फिर लिया, तो फिर बैठल बैठल पसीना छूट रहा था पूरा, क्योंकि टेंशन हो जाता है ना, क्योंकि आपका हम अगर सही स्टूडेंट है यार, इतना मतलब अच्छी से एग्जाम दिए हैं पास किए हैं और यहाँ मेरे छाटने का जो अथी हो जाता है, तो दोस्तों वहां जो है बहुत लोगों को सही रहता है तब पर भी नहीं मिला, तो मेरा मिल गया बाद में, तो फिर वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और दोस्तों वहां जो बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है तो उसको फिर बाद में बुलाता है, तो आप लोगों में अगर किसी को नहीं भी मिलेगा तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि फिर वो अगर आप सही है तो बाद में फिर से वो बुलाएगा, उसके बाद थोड़ा जो है लिखा पढ़ी का होता है कार्यक्रम, उसके बाद जो है आपको फिर ये ज्वाइनिंग थोड़ा लेट होगा, लेकिन क्योंकि मेरे 6 महीने बाद सब लोग जो है जिनका अंगूठा नहीं मिला था वो भी बाद में आ गए थे, तो उसके बाद जो है डीबी जब आपका हो जाएगा तो उसके जो शाम होते होते जो आपका जो है मेडिकल स्लिप वहीं से मिल जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ होगा और किस डेट को होगा। तो ये मेरा जो है था दोस्तों जो मेडिकल डीबी शायद 11 मई का था और जो है मेडिकल जो था वो लगभग
14-15 का, 20 बीच में जो है एक संडे पकड़ा गया था, और मेरा जो मेडिकल हुआ था वो मेरा होम टाउन समस्तीपुर में हुआ था। तो समस्तीपुर में हुआ था, तो वहां से हम आए और समस्तीपुर में जो है उसके अगले दिन आए और वही स्लिप लेके आए। तो स्लिप लेके आए तो यहाँ फिर मेडिकल के वीडियो जो हम बना दिए हैं, तो मेडिकल स्लिप यहाँ लेके गए और यहाँ से फिर मेडिकल जांच 2 दिन में जो मेरा मेडिकल हो गया था। तो मेडिकल के लिए जो है आप लोग डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो मेडिकल चेकअप होने के बाद तो मेरा जो है मेडिकल दोस्तों A2 कैटेगरी था, जो ग्रुप डी का जो है उसमें A2 ही सबसे अच्छा कैटेगरी है, तो उसमें जो है A2 था और मेरा सब कुछ सही था। तो लास्ट में आपका जो है कैटेगरी देके आपके सामने हम लिख के, आपको कुछ मिलता नहीं है, आपके सामने फिट लिख के और आपको जो है उसपे सिग्नेचर करवा लेगा, आपका कैटेगरी उसी पे जो है वो दे देगा। और उसके बाद दोस्तों ये सब आपको हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है आपका जो है ये आता है पोस्ट अलॉटमेंट। मेडिकल के बाद देखिए, ध्यान दिए, आपका जो है नंबर तो आता है जो आता ही है, और वो जो है मेडिकल के बाद जो है उसके बाद ही पोस्ट अलाउंस होता है, क्योंकि मैं जो है मैन जो है वो मेडिकल पर डिपेंड रहता है। आपका पोस्ट अलाउंस जो है मेडिकल पे और आपका जो पोस्ट प्रिफरेंस, आप अगर पहले में देते हैं और आपका मेडिकल भी उसी कैटेगरी के, आपका नंबर भी अच्छा आ रहा है तो आपको वो पोस्ट, और हाँ और आपके जोन में जो वो पोस्ट भी की भी संख्या रहनी चाहिए। अगर पोस्ट की संख्या कम रहेगी तो मिलने की संभावना जो है वो कम हो जाएगा, इसीलिए जो है आपका पोस्ट की संख्या भी वहाँ रहनी चाहिए। तो इसी सब पर जो है वो पोस्ट मिलता है। तो मैंने जो उसके बाद जो है वो आपका जो है ये जो पोस्ट अलॉटमेंट मिला वही वो भी ऑनलाइन ही जो अति किया गया था उस पर चढ़ाया गया था। तो वहां से हम देखे तो मेरा जो है इधर डिवीजन दे दिया धनबाद, हम ही उधर समस्तीपुर के है लेकिन इधर दे दिया धनबाद। हमको पता नहीं था कि जो सबसे बड़ा जो है इधर धनबाद, मतलब इसका जो है सबसे बड़ा सेक्शन है जो धनबाद ही होगा, लेकिन ये जो है डिवीजन सबसे बड़ा था तो दे दिया धनबाद। लेकिन जो है पोर्टर यानी पोस्ट जो दिया था वो ट्रैक में नहीं दिया था, पोर्टर दिया था और SNT भी नहीं दिया था। तो पोर्टर पोस्ट दिया था तो हमें अच्छा लगा, और लोगों से भी पूछे कि जो ये पोस्ट कैसा है, तो बोले बहुत अच्छा पोस्ट है। उन्हीं लोगों से पूछ के हमने पोस्ट प्रिफरेंस भी डाला था पहला जो है पोर्टर, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा पोस्ट है, तो इसमें जो प्रमोशन की जो है चांसेस बहुत बहुत ज्यादा। उसके बाद जो दोस्तों जो मेरा पेस्ट पोस्ट जो है अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर का वेट होने लगा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर का तो मैं हो गए, मेरा जो है वो 15 मई का जो हुआ था मेडिकल हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद ही पोस्ट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद है जो फाइनली जो है 13 जुलाई को जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर वो है आ गया। 13 जुलाई को जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उस ज्वाइनिंग लेटर में दोस्तों जो कुछ फॉर्म रहता है और जो है OBC और जो आप अगर OBC में है और उसमें जो है कुछ अटेस्टेड करवाने के लिए जो है गेजेटेड ऑफिसर से रहता है, तो उसमें सब आपका जो है निर्देश दिया रहेगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है फॉर्म रहता है उस ज्वाइनिंग लेटर में, और फोटो वोटो भी उसमें सब एक पेज अलग से बना दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है लाइन बाय लाइन की इस फॉर्म में आपको ये करना है, एकदम हिंदी में और इंग्लिश में भी रहता है, और ये लाइन में ये पेज में आपको ये करना है, इसे सिग्नेचर करवाना है और इतना फोटो आपको आवश्यकता है, तो वो सब आप अपना बनवा लीजिएगा। और जो है 13 जुलाई को जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, और मेरा ज्वाइनिंग जो था वो 27 जुलाई का था, 27 जुलाई को जो है वो ज्वाइनिंग था। तो 13 जुलाई का ज्वाइनिंग आ गया, उसके बाद हमने पेपर ऊपर जो नहीं बनाया हुआ था वो बना लिए, एक सप्ताह ज्यादा टाइम तो नहीं मिला था, 14 दिन का सप्ताह, लेकिन 10 दिन में हमने सब सिग्नेचर वगैरह से जो करवाना था वो सब करवा लिए। और जो है OBC या जो है आप लोग केंद्रीय जो है वो पहले से ही बनवा के रखिएगा, ताकि जो वो रेलवे फॉर्मेट में देता है तो उसको जो है आप भर के तुरंत आपको एक दिन में वो बना के जो है, आप अगर ऐसे बनवा के रखिएगा केंद्रीय वाला, तो रेलवे फॉर्मेट बनवाने में एक दिन मात्र टाइम लगता है, क्योंकि वो बना रहेगा तो वो उससे जल्दी ही बन जाता है। तो उसके बाद दोस्तों 27 जुलाई का जो है मेरा वहाँ जो है ज्वाइनिंग का डेट आ गया। तो उसके बाद वहां से फिर घर से हम चल दिए 26 जुलाई को जो है चल दिए, 27 को दोस्तों हम धनबाद पहुंचे। वहां जो है ज्वाइनिंग जो है सभी लोग, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग जो है 1-2 दिन पहले, जैसे जिनका ट्रैकमैन था और भी पोस्ट था, तो हम मेरे पोस्टिंग के दिन, मेरे ज्वाइनिंग के दिन सिर्फ पॉइंट्समैन था और सिग्नल एंड टेलीकॉम 2-3 विभाग का ही जो था, 400 कुछ समथिंग लड़का था। तो वहां तब गए तो वहां जो था जो जो
वहां दिया था कागज और यहाँ आए, वहां यहाँ जमा कर दी, मतलब ले लिया गया। सीटिंग वाइज होता है, नंबर वाइज जो आपका जो है दिया जाता है, तो यहाँ अपना बैठा दिया गया। उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म एनपीएस का दे, न्यू पेंशन स्कीम जो है फॉर्म जो रहता है वो भरने के लिए दिया जाता है, वो अच्छे से आप भर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सभी जो है डुप्लीकेट जो है यानी फोटो कॉपी उसका जमा ले लेता है, साथ में ओरिजिनल भी रखिएगा, वो आपका देखता है। तो उसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका वहां से आपका स्टेशन अलॉटमेंट होगा कि कौन स्टेशन में आपको दिया जाएगा। वहां से पोस्टिंग हो गया मेरा दोस्तों नगर उटारी, रेलवे नगर उटारी जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में जो है नगर उटारी, बहुत ही बाबा बंसीधर की नगरी है, बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। इस सेक्शन में मतलब अच्छा जगह, मोटा मोटी मिला के रखा जाए तो अच्छा जगह है। तो यहाँ हमें पोस्टिंग हो गया, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब जो है अपने ही इधर के हैं, तो सब कुछ अच्छा से चल रहा है आप लोगों की दुआ से और भगवान की दुआ से। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने बता दिया है कि जो मेरा फॉर्म फिलअप से लेके ज्वाइन इन तक का क्या क्या प्रोसेस रहा, तो इसी तरह से आप लोगों का भी रहेगा, तो डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। और जो भी दिक्कतें होगा तो आप लोग अगर कोई भी सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, या हमें बिरजू कुमार बी के जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं हम, तो उस पर आप हमें मैसेज वहां से छोड़ सकते हैं, हम जब भी टाइम मिलेगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। दोस्तों बहुत लोग कमेंट में ये करते हैं कि भाई तुम जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं देता। तो कभी कभी दोस्तों मेरा नाइट ड्यूटी भी रहता है, तो नाइट की ड्यूटी करके आते हैं तो दिन में सो जाते हैं मोबाइल बंद करके, तो इसी वजह से जो है जल्दी जवाब नहीं देते हैं, और ज्यादा मतलब देर हो जाता है तो कभी पता नहीं चलता है तो पीछे छूट जाता है कमेंट। तो इसमें आप लोग घबराने की बात नहीं है, आप लोग कमेंट करते रहिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।